हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पर हेटमिक्स में। तो गैस, जैसे आप एक न्यू पपी लाते हो या फिर आपका पपी आपके पास है, तो आपको पता है कि कुछ स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उसमें पपी अच्छे से रहता है, बट जो नाइट होती है उसमें जो आपका पपी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, अच्छे से रहता नहीं, इनकम्फर्टेबल लगता है। बट आप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आपके पास एक न्यू पपी आया होता है, बट पपी काफ़ी ज़्यादा उदास, सैड और एकदम घबराया सा होता है। तो ऐसे में आपको क्या क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपके न्यू पपी है, पहली नाइट है, या फिर आपके पास चार पाँच दिन हो रहा है तो भी पपी अच्छे से नाइट में नहीं रह पाता, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, आपको अगर हमारी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करना। गाइस, जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो है कि पप्पी अच्छे से सोता नहीं है, वो जल्दी से रोने लग जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको पता है जैसे कि वो मदर के पास रहता है, उसके जो छोटे छोटे पप्पीज़ होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, उसके साथ वो चिपक के सोता है, तो उसके कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वो अच्छे से शांति से सो जाता है, उसके कोई बात का डर नहीं लगता। बट जैसे आप अपने घर पर लेके आते हो तो पप्पी को एक केज में या फिर एक साइड में या फिर किसी अकेली जगह पर उससे रख देते हो, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा घबराहट जैसे हो जाता है कि अकेला है, वो क्या करेगा, कोई उसको मारेगा या नहीं मारेगा। इसके कारण कभी कभार काफ़ी ज़्यादा सहमा सहमा रहता है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा वो रोने लग जाता है, बार्क करने लग जाता है, और इसके कारण आपको भी काफ़ी ज़्यादा इनकम्फर्टेबल लग जाता है और ऐसे में पपी फिर रोना भी चालू कर देता है। तो इसके लिए आप एक दो चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप कहीं सोते हो तो अगर आपके पास पपी सो जाता है अच्छे से, एक कपड़ा डाल के, चद्दर डाल के उसके साइड में, अगर वो आपके साथ वो सो जाता है तो कभी कभार पपी का रोना अचानक से बंद हो जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, जैसे उसके मदर या भाई बहन के साथ वो सो रहा है वैसा उसको लगता है। तो ये भी एक तरीका अच्छे से कारगर है। उसके बाद जो दूसरा जो तरीका आता है वो आप क्या कर सकते हैं, जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, वो पपी के पास आजू बाजू रख सकते हैं और उसको आपके नियर बाई कहीं पर बाजू आप सुला सकते हो। तो इससे भी क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके मदर फादर के आजू बाजू या मदर के साइड में वो सो रहा है, तो उसके कारण वो कभी कभार रोना होता है वो बंद कर देता है। और जो टॉयज़ होते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ अगर आप रखते हो तो उससे भी उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके जो टॉयज़ के लिए बहुत सारे टॉयज़ आते हैं, तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहे तो वहाँ से भी बाय कर सकते हो। दूसरा जो रीज़न होता है कि पपी अच्छे से नहीं सो पाता या फिर रोने लगता है, वो है कि उसको भूख लगना। आपको पता होना चाहिए कि जो जब वो उसके मदर के पास था तो, या फिर डॉग ब्रीडर के पास या डॉग जो सेल करते उनके पास था, तो किस टाइम पे खाता था, क्या कितने टाइम खाता था, वो आपको ध्यान रखना है। अगर वो नाइट से सोने से पहले खाता था तो उसको एक आदत हो गई होगी कि वो सोने से पहले कुछ ना कुछ खाए। अगर उसका पेट भूखा होगा या फिर उसको भूख लगी होगी तो ऐसे में वो फिर से वो रोना चालू कर देगा। तो ऐसे में क्या करिएगा, आप जैसे उसको 7:30 या 8 बजे के आसपास भी उसको थोड़ा बहुत कुछ आप खाने को दीजिएगा, पानी दीजिएगा, जिसके कारण वो उसको खा के थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ पोटी टॉयलेट वगैरह कर देता है, थोड़ा उसके साथ खेलिएगा, जिसके कारण वो थकेगा और अच्छे से सो पाएगा। तो ऐसे में वो क्या आराम से सो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि पपी की जो नींद होती है वो ज़्यादा मैक्सिमम 1 घंटा आधे घंटे, फिर वापस से उठ जाएंगे, खेलने लगेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लगेंगे। तो रात में कम से कम वो 3 से 4 बार उसके आँख ज़रूर खुलेगी, वो पोटी करेगा, टॉयलेट करेगा, तो उस बात का आपको ध्यान देना है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे चांस हो सकते हैं कि आपका पपी रात को उठे और उसके साथ भी आपको रात को भी खेलना पड़ सकता है, क्योंकि पपी क्या करेगा, कुछ ना कुछ चबाता रहेगा, कुछ ना कुछ खेलेगा, कभी यहाँ वहाँ चला जाएगा, कभी किस बेड के नीचे चला जाएगा, तो ये सब कुछ करेगा। तो आप एक न्यू डॉग ओनर रखना चाहते हो तो आपको कुछ दिन तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगी, बट जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा फिर ये सारी हरकत या रोना या फिर कहीं पर चले जाना या फिर ज़ोर ज़ोर से बार्क करना ऐसा सब कुछ वो नहीं करेगा। दूसरा क्या हो जाता है, जैसे कि आपका पपी आराम से 7-8 दिन अच्छे से सो रहा है, कुछ एक्ट ज़्यादा रो नहीं रहा, अच्छे से वो घर को समझ गया, मेंबर को समझ गया, बट उसके कुछ दिन बाद वो अचानक से रोने लग गया या फिर अच्छे से सो नहीं रहा या फिर कुछ जैसे खाना छोड़ दिया उसने, वॉमिटिंग कर रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है, तो ऐसे में चांस हो सकता है कि उसको कुछ बीमारी हो गई या फिर उसको बुखार आ गया या फिर कुछ उसको प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास अगले दिन तुरंत ले जाके उसका जो है ट्रीटमेंट करना है या फिर उसका चेकअप ज़रूर से करा लेना है। और दूसरा आप एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसके मदर के पास अगर पपी रहता है तो उसके आजू बाजू जो भी टॉयस वगैरह हो गए वो ब्रीडर से आपको ले लेना है, क्योंकि उसकी खुशबू जो है उस टॉय के अंदर होती है मदर की, तो ऐसे में उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और स्मेल के कारण वो अच्छे से रह भी लेगा। ध्यान रखना है कभी भी 20 दिन का 25 दिन का पपी नहीं लेना, एटलीस्ट वो 30 डेज़ का, 35 डेज़ का या 40 डेज़ का हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कम एज वाला पपी बिल्कुल भी ना ले और घर से बाहर मत ले जाइएगा जब तक आपका पपी का वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
और गैस कुछ दिन ही 7-8 दिन जैसे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बाद पपी आपके साथ आपकी फैमिली के साथ अच्छे से घुल मिल जाएगा और फिर रोने भी नहीं लगेगा। और पपी एज में ज़्यादा पोटी और टॉयलेट करता है तो उसका ध्यान रखना आपको, और जैसे जैसे बड़ा होता है वो भी कम होने लग जाएगा। और शुरुआत के टाइम पर उसको क्या क्या खाने को देना चाहिए उसके ऊपर वीडियो बना के रखी, तो ऊपर आई बटन में वो भी वीडियो देखना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो फिर लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।